यहाँ पे लिखा गया है स्टॉप, यानी रुकिए। बिल्कुल काम को रोक दिया गया है सरकार द्वारा, टेक्नो यूनिक कंपनी द्वारा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, अभी हम टेक्नो यूनिक जो कंपनी थी NS-39 का निर्माण कर रही थी, उस कंपनी का ये हेड ऑफिस था। और इस हेड ऑफिस में आप देख सकते हैं, कभी किसी जमाने में ये वॉचमैन यहाँ पे रहता होगा, एक चौकीदार यहाँ पे हुआ करता था। बट आज पूरी तरह से ये वीरान है पूरा इलाका, बस करोड़ों की अरबों की संपत्ति यहाँ पे फेंक दी गई है पूरी तरह से सड़ने के लिए। जंग में पूरी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे हैं, सब तब्दील हो रही हैं। और अभी हम टेक्नो यूनिक जो हमारी NS-39 का निर्माण कर रही थी उस कंपनी में है। आप इस ट्रक के ऊपर देख सकते हैं, साफ लिखा है टेक्नो यूनिक कंपनी का ये ट्रक है। और यहाँ पे हम चलकर देखना चाहेंगे कि आगे और क्या क्या चीज़ें हैं जो कि कबाड़ में तब्दील हो गई चीज़ें। कभी किसी ज़माने में यहाँ पे चहल पहल हुआ करती थी, लोग यहाँ पे आते थे, ड्राइवर्स आते थे, वर्कर्स आते थे। ये प्रोक्लेम मशीन है, जिस भी जैसा आपको दिख रहा होगा, ये एक मशीन होती है। और ये एक रोलर है, इसमें रोड बनाने के काम में सारी मशीनें आती हैं, अरबों की करोड़ों की मशीनें हैं ये। बट इन मशीनों को कितनी अच्छी तरह से यूटिलाइज़ किया गया है, कितने अच्छी तरह से इनको, इनके हमारे पैसे का कितनी अच्छी तरह से यूज किया गया है, ये आप देख सकते हैं। ये अभी हम जहाँ पे हैं, यहाँ पे कभी पेट्रोल पंप हुआ करता था, और आज हालत ये है कि ये पूरा स्थान पूरी तरह से वीरान है। यहाँ पे पेट्रोल पंप का जो टंकी हुआ करता था वो भी अभी तक नहीं है। यहाँ पे पेट्रोल पंप की ये देखिए बल्टियाँ हैं कुछ, इसमें भी जंग लग गया है। सोचिए, इस बल्टी का जो निचला सिरा है वो तक झड़ गया है। तो हमारे जो अरबों की संपत्ति यहाँ पे पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं चारों तरफ, इन अरबों की संपत्तियों का क्या, हमारे टैक्स के पैसे का क्या, कि किस प्रकार से हमारे टैक्स के पैसे को बर्बाद किया जा रहा है शासन। आप बिल्कुल साफ तौर पर देख सकते हैं, ये देखिए पूरी तरह से ट्रकों का शीशा टूटा हुआ है, एक कबाड़ खाने जैसा लग रहा है। ये चलते हालत में, ये जो ट्रक हैं सारे ट्रक, ये पहले चलतू हालत में हुआ करते थे, पर आज हालत ये है कि इन ट्रकों का पहिया तक गायब है। ट्रकों का आप हालत देख सकते हैं, इन ट्रकों का पहिया तक गायब है। और बड़ी दुर्भाग्य की बात है कि किस प्रकार से हमारे पैसे का इस्तेमाल कितनी बुरी तरीके से किया गया है, जनता के पैसे का इस्तेमाल कितनी बुरी तरीके से किया गया है। हमारे अरबों रुपयों को छोड़ दिया गया है खुले में, केवल और केवल सड़ने के लिए। देखिए पूरी तरह से, कितनी सारी आप गाड़ियाँ देख रहे हैं, सारी गाड़ियाँ आज पूरी नष्ट हो रही हैं। हमारे पैसे को, हमारे जो टैक्स का पैसा होता है उससे किसी को मतलब नहीं, सरकार को भी नहीं। आप ये देखिए डंडा है, और इस डंडे तक में जंग लग गई है, टूट नहीं रहा है। खैर, ये काफ़ी स्ट्रांग, काफ़ी महंगे प्रोडक्ट हैं। देखिए आप किस प्रकार से चीज़ों को छोड़ दिया गया है सड़ने के लिए। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी पर्पज़ हम आगे गए थे, वहाँ पे आज तक अभी तक कोई सिक्योरिटी पर्पज़ नहीं है जिससे हम बात कर सकें, जो कि इन अरबों की संपत्ति का जो चौकीदार हो। कुछ यहाँ पे चीज़ें गिरी हुई हैं, ये क्या है, काफ़ी भारी चीज़ है, कुछ हो सकता है किसी गाड़ी का ये पार्ट है। बट आज पूरी तरह से जीर्ण हालत में ये है। ये जो आप गाड़ी देख रहे हैं, इस गाड़ी की भी हालत कुछ ऐसी ही है, खुल नहीं रही हैं गाड़ियाँ ये। और देखिए आप, ये भी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वो है। और ये क्या है, काफ़ी भारी लग रहा है, ये किसी लोहा हो सकता है, ये किसी गाड़ी का पार्ट हो सकता है। हम आगे जाके चल के देखेंगे कि किस प्रकार से सारी चीज़ें हैं, किस प्रकार से यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो वर्क करती हैं। यहाँ पे ये देखिए एक ग्रेनर, इसको बोलते हैं क्या, हाँ ग्रेडर, एक ग्रेडर मशीन है। 1,40,00,000 की मशीन आती है, जो आप मशीन देख रहे हैं। हो सकता है कि यहाँ पे इतनी सारी संपत्ति रखी हुई है सरकार की, तो हो सकता है कि हमारे आसपास कोई भाई लोग हों। तो कोई है क्या यहाँ, हम बार बार पुकार रहे हैं लोगों को, हम जानना चाहते हैं कि किस प्रकार से सिक्योरिटी यहाँ पे लोग करते हैं। कुर्सी है ये, शायद ये कुर्सी है, जेसीबी मशीन की कुर्सी है ये। और हम प्रयास करेंगे कि इस कुर्सी को हम देखें कि किस प्रकार से ये वर्क करती है, हम बैठना चाहेंगे इस पर। ये हमारे बैठने के पहले ही ये गिर गई, हम चाहते थे बैठना, बट अब ये मशीन पूरी तरह से गिर चुकी है। ये कुछ मशीनें हैं, और यहाँ पे कुछ टूटी फूटी मशीनें हैं। और हम विजुअल देखेंगे कि कितना सारा कबाड़ रखा हुआ है पीछे, ये देखिए गाड़ियाँ हैं टूटी। यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा, ये जो छोटे वाहन हैं हमारे 4-व्हीलर्स, ये काफ़ी टूटी फूटी हालत में हैं। ये देख सकते हैं, इसका पूरा इंजन पूरी तरह से बर्बाद हो गया है। यूटिलिटी है जो एक सारी चीज़ें हैं वो किस प्रकार से हैं। यहाँ पे एक बुलोरो देखिए, ये बुलोरो किस मार्शल है, एक बुलोरो है, बोलीरो किस हालत में है ये। आज शायद इसका एक्सीडेंट हुआ था किसी ज़माने में,
कई लोगों की जानें भी गई रही होंगी और हमारे पैसे का, जनता के पैसे का किस प्रकार से इस्तेमाल हुआ है आप लोग साफ तौर पर देख सकते हैं। और हम कैमरामैन से चाहेंगे कि एक अच्छा व्यू इसका आए, हम इसे देखेंगे सामने से। देखिए ये सारी चीज़ें, पूरी गाड़ियाँ टूटी फूटी हैं और ये बहुत सारी चीज़ें हैं दिखाने के लिए, बहुत सारी चीज़ें हैं कहने के लिए। बट अब हम ये जो हमारी खोज थी कि क्या है आखिर टेक्नोयूनिक, जो स्टोर रूम है, स्टोर रूम बोले या फिर कबाड़ खाना जो है, गाड़ियाँ यहाँ पे सड़ रही हैं पानी में, बिल्कुल जंग लग रहा है इनमें, आखिर क्या वो चीज़ रही होगी जिसमें वो क्या हालात बना रहा होगा जिसमें कंपनी को करोड़ों रुपए लोगों का मार के वो भाग गई, करोड़ों रुपए खा के लोगों का भाग गई और ये इतनी सारी करोड़ों अरबों की संपत्ति पूरी तरह से सड़ने के लिए छोड़ दिया गया। ये हमारा और आपका पैसा है। जो टेक्नोयूनिक कंपनी है, लोगों का आरोप है कि कंपनी अरबों रुपए लेकर भागी, करोड़ों रुपए लेकर भागी, लोगों के पैसे तक जो उनकी मंथली जो इनकम वो करते थे, वेतन था, उस वेतन तक को मार लिया गया और कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई कंपनी। और ये जो आप कबाड़ देख रहे हैं, ये सारी कबाड़ टेक्नोयूनिक कंपनी का है। हम एक बार दिखाना भी चाहेंगे। यहाँ पर आप साफ तौर पर ट्रक के ऊपर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है टेक्नोयूनिक। ट्रक के ऊपर आप देख सकते हैं ये टेक्नोयूनिक लिखा हुआ है और टेक्नोयूनिक कंपनी पूरी तरह से भाग गई है। ये देखिए आप यहाँ पे भी देख सकते हैं ये टेक्नोयूनिक लिखा हुआ है यहाँ पे। तो कंपनी जो है पूरा पैसा लेके भाग गई है और हमारी और आपका जो टैक्स का पैसा होता है, रोड बनवाने के लिए हम जो टैक्स देते हैं, उस पैसे का कितना उचित उपयोग किया गया है आप चारों तरफ देख के पता लगा सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमें देख रहे हैं टॉक विद शिवम पाठक से और मैं हूँ शिवम पाठक। बहुत बहुत धन्यवाद।